हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में वन ऑल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वन ऑल टैबलेट का मुख्यतः इस्तेमाल एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये FDC लिमिटेड की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 26 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। वन ऑल टैबलेट में लियोसिट्रिजिन IP 5mg यह कंटेंट समझते है। इसमें मौजूद लियोसिट्रिजिन यह ड्रग एंटी हिस्टामिनिक की क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो एलर्जी का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एलर्जी, धूल के कारण होने वाली एलर्जी की समस्या दूर करने में, इसे बार बार छींक आने की समस्या दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्किन पर खुजली आने की समस्या, पित्ती, कफ, सर्दी, जुकाम, सर्दी से नाक बहने की समस्या, सर्दी से नाक बंद होने की समस्या दूर करने में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें, इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट यह टैबलेट दिन में 2 बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। वैसे तो इस टैबलेट का कोई बड़ी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको दस्त, मितली, उल्टी, नाक बंद होना, कब्ज, खांसी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको पहले से कोई अन्य एलर्जी की टैबलेट चालू हो या फिर आप पहले से कोई अन्य एलर्जी की टैबलेट ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज़ न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।